नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बैंगन आलू ऐसे अंदाज में बनाएंगे जो खाने में कई गुना स्वादिष्ट लगेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया है एक बैंगन, ये बड़े वाला बैंगन लिया है मैंने। इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और ये ग्राम के हिसाब से ना ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है। आप इस रेसिपी में कोई भी बैंगन का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसे काट कर तैयार कर लेना है। देखिए, इसको मैंने पतला और लंबा काटा है और डंडी समेत काटा है। आप चाहे तो डंडी हटा भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने पहले ही वॉश कर लिया था। काटने के बाद हमने वॉश नहीं करना और ये बैंगन ना काला पड़ जाता है, इसलिए नमक और हल्दी हम इसमें डाल देते हैं। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी का यूज़ किया है। अच्छे से हमने हाथों से इसको रब करना है, जो हल्दी है और नमक है ना इस पे अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, सब पे हमने हल्दी नमक लगा दिया। इसके साथ ही मैंने ले लिए थे 4 आलू मीडियम साइज के। इनको बिना छीलने के बाद, ये कच्चे आलू लिए थे, छीलने के बाद पतला और लंबा काट लिया है। इनको भी पानी में भिगो दिया है, लेकिन पानी में से निकाल कर इसे किचन टॉवल से पोंछ लेंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया था, उसे गर्म कर लिया था। अब धीरे धीरे इस बैंगनों को इसमें डाल देंगे, क्योंकि छींटे ना उड़े, बहुत आराम से इस काम को करना है। और गैस को मैंने अभी मीडियम कर दिया है। सारे बैंगन को डालने के बाद अलटते पलटते हुए हम थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेते हैं, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, ये हो गए हैं। इसे करने में हमारे 3 से 4 मिनट लगे हैं, लेकिन इससे सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इसकी शेप भी नहीं बिगड़ेगी बैंगनों की। ऐसे ही हमने जो आलू है ना, उनको भी थोड़ा फ्राई कर लेना है। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसे किचन टॉवल से थोड़ा सा पोंछ लिया है, जिससे छींटे ना उड़े। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गए हैं। इसे करने में हमारे 4 से 5 मिनट लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, ये अंदर तक सॉफ्ट हो गए हैं। ऑयल झाड़कर हम इसको साइड में रख देते हैं। मैंने ली थी 2 प्याज, इसको 4 भागों में काटने के बाद ना इस ढंग से खोल लिया था। अब इसको डाल देंगे। अब इसको करने में हमारे कुछ सेकंड ही लगेंगे, ये थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए, ये हो गए हैं। इसे करने में कुछ ही सेकंड लगे हैं, इसे भी साइड में रख देंगे। अब इस कढ़ाई में से हमने एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना, वो सब निकाल देना है। देखिए, हमने सारा एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकाल दिया है, थोड़ा सा ही ऑयल लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 चुटकी हींग, जो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ जीरा, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ, जो बैंगन आलू है ना, सौंफ वाले बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैंने ली थी 1 प्याज, उसको पतला और लंबा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। अब प्याज को हमने भून लेना है सुनहरा होने तक, ऐसे ही चलाते हुए। देखिए, प्याज हमारी सुनहरी हो गई है। अब मैं इसमें एक सूखी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। मैंने ली थी 2 हरी मिर्ची, 5-6 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इन सबको कूट कर तैयार किया है, वो डाल रही हूँ। देखिए, आज हम ना चटपटे बैंगन आलू बना रहे हैं, लेकिन फिर भी मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखना। थोड़ा सा चला देंगे। अब डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, और ये तीखी लाल मिर्ची नहीं है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, मैंने उसका यूज़ किया है। पहले थोड़ा सा चला देंगे। मैंने लिए तो 2 टमाटर, इनको पतला और लंबा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। अच्छे से पहले तो मिक्स करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी का यूज कर रही हूँ, 1/4 कप। अब गैस को लो मीडियम करते हुए इसे हम ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, जो टमाटर है थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जो टमाटर है काफी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम आलूओं को भी डाल देंगे।
देखिए जो बैंगन है ना वो फ्राई करने से ही काफी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन आलूओं में अभी थोड़ी सी कसर ज्यादा है, इसलिए पहले तो इसे मैं मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, मैं एक ग्लास भरकर इसमें पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा चला देंगे। अब गैस को लो मीडियम करते हुए 5 से 6 मिनट तक इसको हम ढककर पकाएंगे जो आलू है सॉफ्ट हो जाए। देखिए 5-6 मिनट हो गए आलूओं को पकते हुए, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा चला देंगे। ये देखिए जो आलू है काफी हद तक आप देख पा रहे होंगे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। थोड़ा सा चला देंगे। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे बैंगन। बैंगन आप देख ही पा रहे होंगे काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स करना है हमने। अब बैंगनों में भी अच्छे से मसाला जो है ना वो मिक्स हो जाना चाहिए। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे वो भी ऊपर से डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा चला देंगे। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, जब ये प्याज खाते खाते मुँह में आते हैं ना तो स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। अब गैस को लो मीडियम करते इसे 2 मिनट तक हमने और पका लिया है, अब गैस को बंद कर देंगे, खोलेंगे 2 मिनट बाद। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसको आप चपाती, परांठे, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।